बयान से हमारे कुल बोजान को मुनव्वर फरमाए इस दुआ के साथ कि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला बड़ी तवज्जो है एक दफा ठहर का छोड़ सुभान अल्लाह ये बहुत बड़ी एक दर्द है जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला शायद हुजूर हमसे खफा है मला के ला और कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार ले अबू बकर से कुछ आयनाए इश्को वफा के ला और कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार ले अबू बकर से कुछ आयनाए इश्को वफा के ला दुनिया बहुत तंग मुसलमान पे हो गई फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला और हमें महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने उस्मान से वो जाविये शर्मो हया के ला और मगरब में मारा मारा न फिर आए गदा है इल्म दरवाजा है अली से ये खैरात जाके ला और बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला नहायत ही अदब से गुजारिश करता हूँ कि अपने 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 खूबसूरत बयान से हमारे को उलाज़म और फरमाए और आप एक इस्तकबाली नारा सुना दे नारे तकबीर हाथ चाके सीने दा जोर ला के नारे तकबीर उच्ची मेरा वीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी अज़मत मुस्तफा आस्तान आलिया ईदगाह शरीफ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے اسی کے لیے لائق ہے कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं जो बड़ा मेहरबान है बहुत करीम है हद से ज्यादा नवाजने वाला करम फरमाने वाला तौबा को कबूल फरमाने वाला गुनाहों का माफ फरमाने वाला दराजात का बुलंद फरमाने वाला बेपनाह बुलंदो वाला शानों वाला बादशाह कि जिसके फजल व करम की ना तो कोई इंतहा थी ना है और ना हो सकती है
जिसका फजल उसके गजब के ऊपर हावी है, जिसके करम के साथ सारे मामलात मशरूत है, कि जिसे वो देना चाहे कोई रोक नहीं सकता और जिसे वो रोक दे कोई दे नहीं सकता, और बेपनाह दुरूद व सलाम हमारे आका मौला हमारी जानों के बादशाह हाजिर और नाजिर मुख्तार कुल अल्लाह करीम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात आला के ऊपर जिनके मकाम को, जिनकी शान को और जिनकी हकीकत को आपके रब के अलावा कोई और जानता नहीं, जिन पे दुरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह करीम जिनकी आने वाली आन को पहली आन से बुलंदतर फरमा रहा है, तो अल्लाह करीम जिनके चेहरा मुबारक को हर वक्त हर लहजा हर आन अपनी निगाहों का महवर और मरकज बना के रखे हुए है, तो अल्लाह करीम जिनके जिक्र पाक को खालसतन आप ही की खातिर बुलंद फरमाने का ऐलान फरमाए, तो अल्लाह करीम जिनकी अतात को अपनी अतात करार दे, तो अल्लाह करीम और जिनकी तबा को अपनी इबादत अपनी बंदगी करार दे, तो अल्लाह करीम खताब किबला साहब का होगा इंशाअल्लाह थोड़ी देर में तशरीफ ले आएंगे। मैं मुख्तसर सी ज़्यादा दोस्त इस तरह बैठे अगर सामने आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, सामने देख के जो बात होती है उस तरफ से उठ के ज़्यादा सामने किबला साहब का खिताब होगा उससे पहले भंडाल को ठीक करने की, पीछे सामने आ जाइए इधर वाले बैठे रहे जो इस तरफ है उधर जो कोनों में है बस ज़्यादा नहीं इधर जिधर आप खड़े हैं बस इधर बैठे रहने दें तो पीछे बैठे हैं सामने जब देख के बात होती है तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे खताब उनका होगा। मैंने अभी कुरान करीम की रोशनी में जिस मकसद की खातर ये महफिल पाक सजी है अल्लाह करीम अपने करम अपने फजल और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके इधर आज शुएब साहब का जिक्र हुआ इस आज की इस महफिल में उनकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। अल्लाह ताला उनके दराजात को बेपनाह बुलंदियां और ता फरमाए, उनकी औलाद को अपनी हिफाजत में रखे, खालिद साहब उनके भाइयों को इसी मोहब्बत में आगे से आगे लेके जाए, मुबारकबाद पेश करते हुए सारी टीम को कि जिन्होंने अपने आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूब कर इस खूबसूरत तरीन महफिल मिलाद पाक का इनेकाद किया कि जिसमें इकट्ठे होने का मकसद हमारा ये है कि हम यहाँ इकट्ठे हो बैठे और हमारी हर महफिल के इनेकाद का मकसद यही होता है। अभी अलावा साहब फरमा रहे थे आखिर में हालात के बारे में, किसी से छुपे हुए नहीं है जिन हालात से इस वक्त उम्मत गुजर रही है, कसूर हमारा अपना है, हम बुरी तरह से भटके हुए हैं अपने आका अलैहिस्सलाम की अरफा वाला बुलंद व बाला तालीमात को भुला चुके हैं, हमारे दीन की जो रूह है उसे हम अल्लाह करीम करम फरमाए आसान फरमाए अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके से हम सबको अपने दीन जो खूबसूरत तरीन दीन है इस्लाम उसकी तरफ हमारी तवज्जो कराए, हम अपने दीन को समझ पाए अपने दीन की तालीमात को अपनाएं
पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, अपने रब के इस फरमान को हमेशा सामने रखें कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ। अपने रब के इस हुक्म को सामने रखते हुए निगाह रखें तो दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि हमारे रब ने हमें फरमाया कि उधर देखते रहो, उस तरफ निगाह रखो, जो आप दे रहे हैं तुम्हें वो लो, और जिससे आप रोक रहे हैं उससे रुक जाओ। एक और मकाम पर अल्लाह करीम यूं फरमाते हैं कि जो भी ये दावा करता है, जिसके बे दिल में ये तड़प है और वो ये ऐलान करता है कि मुझे अपने रब से मोहब्बत है, अल्लाह करीम फरमाते हैं क्या मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर उस बंदे को जो मेरी मोहब्बत का दावेदार है हुक्म फरमाइए कि वो आपकी इत्तबा इख्तियार करे, वो अपना उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना उस अंदाज से अपनाते हुए, उस अंदाज को अपनाते हुए, इस अंदाज से जिंदगी को गुजारे कि उसका कोई अमल आपकी इत्तबा पाक से हट के ना हो। अल्लाह करीम जगह जगह हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, और जैसे मैंने बयान का आगाज किया था कि ये और खालिस्तन तकरीबन तमाम मुसलमानों को इल्म है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह करीम आपकी आने वाली आन को पहली आन से बुलंद फरमा रहा है तो अल्लाह करीम आपके चेहरे मुबारक को हर वक्त हर लहजा हर आन अपनी निगाहों का महवर और मरकज बना के रखे हुए है तो अल्लाह करीम आपके जिक्र पाक को खालसतन आप ही की खातिर बुलंद फरमाने का ऐलान फरमाता है तो अल्लाह करीम आपकी अतात को अपनी अतात करार देता है तो अल्लाह करीम और आपकी इत्तबा को अपनी इबादत अपनी बंदगी करार देता है तो अल्लाह करीम। तो मैंने दो चार जगहों से आपके आगे जिक्र किया, वैसे भाई साहब और रोने का फरोज है और किसी ने अर्ज की थी कि यार ऐ अजीम हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान के बारे में आपकी सीरत के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके आगे पूछा गया और तकरीबन तमाम वो हस्तियां जिन्होंने दीन को पढ़ा समझा तहकीक की जिन्हें हम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के नाम से याद करते हैं सब फरमाते हैं कि दो तहाई दीन तो हमें इस बुलंद वाला हस्ती के जरिए से मिला है जिसका इनके साथ ताल्लुक हो गया। इनको समझने की कोशिश की तो दो तहाई दीन तो वो सीख गया। सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आपसे किसी ने अर्ज की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में कुछ फरमाइए, आपकी सीरत पाक के बारे में, आपकी शान पाक के बारे में, तो आपने फरमाया कि क्या तूने कुरान करीम नहीं पढ़ा, जा कुरान करीम खोल, ये अव्वल से लेकर आखिर तक मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुण गाता हुआ ही नजर आता है। आपकी सीरत पाक आपकी शान मुबारका जो उसने बयान किया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बयान खिताब किबला साहब का होगा। मैं ये आगाज इससे करना चाहता था इन्हीं अल्फाज से क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद अगर कोई होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए कि अपने आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गर्क होकर अपनी जिंदगियों को गुजारें। हमारे पेश नजर जो चीज होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, तबाए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दावा तो हम सब करते हैं, अल्लाह करे हम सब करते भी रहे, लेकिन इस मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं। इस मोहब्बत के बारे में किबला साहब फरमाएंगे, मैं उनके आने तक
इस हवाले से आप अहबाब से बात करना चाहता हूं कि जिस तरफ अभी आपने निशानदेही की कि ये कैफियत क्या है, किस हाल से गुजर रही है उम्मत मुसलमान। आपको इल्म होना चाहिए, अगर नहीं तो जान लें कि इस वक्त 8 अरब के लगभग दुनिया की आबादी है और उसमें से तकरीबन 1 अरब 80 करोड़, तकरीबन चौथा बंदा जो है ना दुनिया में वो मुसलमान है। 206 के लगभग ममालिक हैं, 58 मुल्क उनमें से मुसलमान हैं, 70% वसाइल जो है वो मुसलमानों के कब्जे में है। इसके बावजूद हमारी जो कैफियत है, जिन मामलों से आप गुजर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आज आपके जुमलों पे ही करना चाहता हूं, आपने दुआ मांगी, हमें ये दुआ मांगनी भी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम रोने का फरोज है, बुलंद वाला शानों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि कुफर मुसलमानों को खसो खाशाक की तरह वहां के ले जाएगा। असाबे कराम रिद्वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन जो अपने आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुम होते, थोड़ी तादाद होती, बड़े बड़े लश्करों के ऊपर हावी आ जाते। 313 का तो आपको याद ही होगा, दर हकीकत 314 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में शामिल है, क्योंकि आपने शामिल फरमा रखा है उन्हें, आपके इल्म में होगा। कई मकामात पर ऐसा भी नजर आता है कि आपने सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म फरमाया, लेकिन ये मोहब्बत में गर्क होते थे, ये अपनी तरफ नहीं देखते थे। जब देखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते थे या रब की तरफ देखते थे। ये वही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में तमाम आलम इस्लाम उनकी जुर्रत बहादुरी शुजात की बातें करते हैं, उनका भी ध्यान होता था। तो अगर कभी इमामा मुबारक में मुंह मुबारक नहीं है ना और दिक्कत पेश आ रही है तो कहते हैं वो मुंह मुबारक ही मेरे काम आने वाला है। इस चीज को हमें तवज्जो रख, इस चीज पर तवज्जो रख के इन चीजों को समझना चाहिए। बहरहाल जो बात करने लगा था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अकेले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया ना, कि अगर किसी जगह से कोई वफद आया और अर्ज की कि हम जुल्म का शिकार है तो वो अकेले ही चल पड़े और अकेले ही जालिम को पकड़ के ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश भी किया है। वो उन लोगों ने जब आप अलैहिस्सलाम से ये सुना ना कि एक वक्त आएगा कि कुफर ऐसा इस अंदाज से चार तरफ जोर पकड़ेगा कि मुसलमानों को खसो खशाक की तरह बहा के ले जाएगा, सहाबाए कराम रिद्वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने दरबार रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा बाप और माँ पे कुर्बान, क्या मुसलमान उस वक्त तादाद में इतने कम होंगे, इतने कम होंगे और वो इतने ज्यादा होंगे कि मुसलमानों को भाग ले जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, आपकी निगाह पाक से ना उस वक्त कोई चीज पोशीदा थी ना कुरान करीम हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद फरमाइए उस वक्त को, याद फरमाइए उस वक्त को जो आप अलैहिस्सलाम से बज़ाहिर आपके रोने का फरोज होने से पहले के मामलात हैं, या सहाबी आपके दरबार में अर्ज करते हुए नजर आते हैं कि सबसे पहले किस चीज की तकलीफ की गई, या अर्ज करते हुए नजर आते हैं कि क्यामत कब आएगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन सुभान अल्लाह क्या शान थी उनकी, क्या शानों वाले हैं वो। असहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम, इनकी जुबान से कभी यूं नहीं निकलता था कि अल्लाह जानता है।
हदीस मुबारक खोलिए, असाबी की जुबान से जब निकलता था यह निकलता था अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, इल्म रखते हैं और खबर रखते हैं। आज पीटा तो पीटा सुन्नी पकड़ लो ना तो कहेगा अल्लाह जानता है। अल्लाह करे कि हम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की उन तालीमात को सामने रखें कि उनकी जुबान से निकलता था तो अल्लाह जानता है, उनकी जुबान से निकलता था इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम सब के इमाम इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत फरमाते हुए नजर आते हैं कि जब जुबान से निकालना है तो क्या निकालना है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। पूछा कि ऐसा ही कहना है, फरमाया क्या कुरान करीम नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला फरमाते हैं खुद कुरान करीम में तरबियत फरमाते हैं कि जब सुबहान खोलो तो इस अंदाज से खोलो अल्लाह और उसके हबीब का फजल, अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम का करम, उनका एहसान उनके इनाम, इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं अपनी रूहानी औलाद को मुख्तसर अल्फाज में यूं सिखाया करता हूँ कि जब कोई पूछे ना की हाल है तो जुबान चुकड़िया करो खालिक ते मालिक का शुक्र है, क्योंकि खालिक खुश होता है क्योंकि उसने सबको याद होगा ना कुरान करीम में किस चीज पे उसने फरमाया है कि मैंने तुम्हारे ऊपर वो एहसान किया कि जिसका तुम बदला उतार ही नहीं सकते। किस एहसान का जिक्र है कि अपने हबीब अलैहिस्सलाम तुम्हें दिए हैं। खैर मैंने पहले कहा थोड़ी देर में किबला साहब तशरीफ लाने वाले हैं, उनका खिताब होगा। मैं जिस मौजू पे चंद बातें करना चाहता हूं उधर ही जाना चाहता हूं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उन्हें इल्म था कि इनको पता है, ये खबर रखते हैं जो ये बता रहे फरमा रहे हैं ना कि ऐसा वक्त आएगा, इन्हें उन हालात की वजूहात का भी खूब इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जब अर्ज की कि क्या उस वक्त मुसलमान इतने कम होंगे, आप नहीं, हर तरफ मुसलमान फैले हुए हुए हैं, जिधर देखे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह है अल्लाह के फजल से, जिधर जाते हैं दुनिया के किसी कोने में भी अल्लाह के फजल से मस्जिद भी नजर आती है, अल्लाह अकबर की फजा भी सदा भी गूंजती हुई नजर आती है, किसी जगह स्पीकर अलाउ है किसी जगह नहीं है, होती जरूर है, मुसलमान भी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया वैसे वैसा माहौल है कि हर तरफ मुसलमान है। असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने फिर अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा बाप और मां आप पे कुर्बान, आप फरमा रहे हैं कि चार तरफ मुसलमान और फिर काफिर इन्हें खसो खशाक की तरह भाग के ले जा रहे हैं, वजह क्या है, उसकी क्या वजह होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि दर हकीकत वो मेरी असल तालीमात को भुला चुके होंगे, जैसा मुसलमान को होना चाहिए वो वैसे नहीं होंगे, दुनिया की मोहब्बत उनके इधर होगी, मौत से खौफ खाएंगे, जो कुछ करेंगे दुनिया 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 और दुनिया के पीछे। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक का सदका तुझे और मुझे फिक्र आखिरत अता फरमा दे। सबने मरना है, ना मैंने रहना है ना तुम में से किसी ने रहना है। हमें शाम की बड़ी फिक्र होती है कि शाम को चंद कागज मेरे जो है वे बढ़ जाएंगे, मेरा माल तजारत बढ़ जाएगा, सामान बढ़ जाएगा, मुझे मैं कुछ और इकट्ठा कर लूंगा। ये तो फिक्र जो दारे इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ उसकी भी यही है ना कि इसके अलावा कुछ है, मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जान में जाता हूँ, फिक्र उनकी यही होती है कि कुछ और इकट्ठा कर लूं। मुसलमान की कैफियत कुछ और होती है, वो इकट्ठा जरूर करना चाहता है और उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दरबार पाक में चले।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक का फरोज है और आप मुसलमानों मेरे गुलामों तुम किसके बारे में ख्याल करते हो कि ये बड़ा दूर अंदेश है, बड़ा अकलमंद है, बड़ा जहीन है। असाबे किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने दरबार रिसालत मौत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का कायदा है कि वो उसके बारे में कहते हैं ये बड़ा दूर अंदेश है, बड़ा जहीन है, बड़ा अकलमंद है, जो दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा नफा करता जाए, ऐसे फैसले करे। आज के खजूर का बाग खरीदा, कल दुगना बेच दिया, आज बकरे खरीदे, भेड़े खरीदी, कल ज्यादा कीमत पे बेच दी, आज सामान तजारत ले आया, कल उस पे उससे ऐसा माल लिया कि कल उस पे ज्यादा नफा मिला। जब अर्ज की ना कि दुनिया का ये कायदा है, वो उसको दूरंदेश समझते हैं, जहीन समझते हैं कि जो दुनियावी मामलों में अच्छा फैसले करे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, उसे दूरंदेश नहीं कहा जाएगा, उससे जहीन नहीं कहा जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जो मेरे नजदीक जहीन है, दूरंदेश है, वही मेरे रब के नजदीक जहीन और दूरंदेश है। आपने कहा, तुम में से जहीन और दूरंदेश सिर्फ वो है जिसे फिक्र आखिरत रहे, जिसका हर वक्त ज़हन इस पर रहे। हम सबको पता है, बच्चियां बैठी है, बच्चे बैठे हो, हम में से किसी को खबर है कि हम शाम तक होंगे या नहीं होंगे? कल का सूरज हमारे लिए इस अंदाज से निकलेगा कि हमारा शुमार जिंदों में होगा या मुर्दों में? मैंने तो नहीं पता, तो हम पता है? नहीं पता ना, हाथ उठा के को किसी की नहीं पता, एक लम्हे का भरोसा नहीं। लेकिन अगर हम अपनी सारी काविशें देखें, सारा जोर देखें, तो किसके लिए होता है? शाम के लिए, सुबह के लिए। सारा जोर इसी पे कि शाम के लिए क्या इकट्ठा कर लूं, सुबह के लिए। किसके पास इतना वक्त होता है कि कब्र के लिए कुछ इकट्ठा करे? रोज महशर के सामने हो, जिसका सबको पता है, जिसका नहीं पता उसका, आप सब ने हाथ उठा के कहा कि हमें किसी को नहीं पता कि आने वाले लम्हों में हमारा नाम जिंदों में होगा या मुर्दों में होगा। लेकिन ये सबको पता है कि मौत हक है, मौत अटल हकीकत है, मौत आनी आनी है। उसकी फिक्र, उसकी तरफ ध्यान, मुसलमान का हमेशा ध्यान उधर रहता है, और जब उधर ध्यान रहता है तो मुसलमान की कैफियत क्या हो जाती है? फिर वो उसकी सोच का अंदाज बदल जाता है, फिर उसके दिल में से दुनिया की मोहब्बत निकलती है और आखिरत की मोहब्बत आ जाती है। पहले मैं हदीस मुबारक आप को पूरी कर दूं, जब आपने फरमाया ना कि वो दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाएगा, दिल में दुनिया होगी, हर वक्त उसकी फिक्र दुनिया की होगी, मौत को भुला चुकेगा तो देगा, क्योंकि मौत याद नहीं रहती, तो फिक्र आखिरत नहीं रहती, आगे का फिक्र नहीं रहता। असाबा किराम ने रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन ने उस वक्त अर्ज की थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर क्या होगा, क्या मुसलमान पिस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? आप लोग नहीं, ये संभलेंगे, लेकिन बड़ा भारी नुकसान उठाने के बाद। नुकसान तो आज हम उठा रहे हैं ना, वो बिल मैंने के उठा रहे हैं। अफगानिस्तान किस तरह से बम गिरे, इराक का क्या हाल हुआ, लीबिया किस कैफियत से गुजरा, शाम आज किन मुश्किलात का शिकार है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, ये और बात है कि हम अगर अपने अंदर झांके ना तो फिर बात वही आ जाती है कि हमारी साढ़े कर दी इट इतने गिर जाए तो ऐसी परेशान हो जाते हैं। हमारा जरा सा दुकान का नुकसान हो जाए, आज 100 रुपए के बजाय 51 कट हुई तो परेशान, आज 54 कट गई, 54 बदरी जाए जैसी, ये परेशानियां तो होती है ना, क्योंकि हम दीन की असल को भूल चुके हैं, इसलिए ये परेशानियां हमें घेर के रखती हैं, और हम उस रास्ते को नहीं इख्तियार करते कि जिस पर चलने के बाद वो रब, वो रब, वो रब शानों वाला रब
जिसने खुद फरमाया कि जिसने कहा ना मेरा रब अल्लाह है तो उसने जम के खड़ो गया, उस पर उसको इस्तकामत नसीब हो गई, उसका तवक्कल मेरे ऊपर मजबूत हो गया। अल्लाह के लिए फरमाते हैं उसके लिए कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। ये और बात है कि जब इस रास्ते पे बंदा चल पड़ता है तो कैफियत बिल्कुल तब्दील हो जाती है। वैसे बंदा कई लोग, अल्लाह रहम करे सबके हाल पे, मेरे पे भी आप सबके भी, दीन की बातें करते हैं दुनिया की खातिर कि दुनिया इकट्ठी कर ले इससे। अल्लाह सब पे रहम करे, ठेकेदारों को बहुत ज्यादा जरूरत है अवाम से ज्यादा, अवाम को भी जरूरत है लेकिन ठेकेदारों को बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें दुनिया को सबको कुर्बान करना है उसको हासिल करने की खातिर, उसे पाने की खातिर। इसको लेके बैठे तो सिर्फ इसलिए बच जाते हैं, हम सब बच जाते हैं, जुमे वाले दिन भी बच जाते हैं, ऐसे जलसे भी सजा के बच जाते हैं। वजह सिर्फ एक है कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम से वादा कर लिया है। क्या मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, मुझे अल्लाह की ये शान ही नहीं है कि आप इनके दरमियान रौनक अफरोज हों और मेरा अजाब इन्हें आन गिर जाए, वगैरह लग पता चलता सारे नस्ते लोग, क्योंकि होता था एक बंदा ऐसे संभाल लेता था, दीन की बात करने लगता अंदर दुनिया होती, लोगों को कुछ कहने लगता खुद कुछ होता, इधर मथे ते लिखे आधा आधा बड़ा मुनाफिक झूठा, घर के बाहर लिख आज खुर्च दिया जाता, एड़ी चोटी का जोर लगा देता वो बिठता नहीं था, पर्दे बात के साथ ही होता। और जो इस वक्त मिन हासल कौम मिन आस, हम सब मुसलमानों की हालत है, जब ये कैफियत होती तो उसका हुक्म होता चुक जमीन की तो परत छट, कभी हुक्म होता कि आग बरसती, कभी शक्लां बांदरां दियां मर जांदियां, कभी पत्थर बरसते, कभी पलट लिया जाता। कई बार फरिश्ते अर्ज भी करते कि या अल्लाह कुछ एक ऐसे है इसमें जो खालिस लोग हैं तेरे तेरे लिए जीते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इस माहौल में उन्होंने अपने जिंदगी मेरी खातिर गुजारी ना, बस ठीक है आना है ना उनके लिए कामयाबी के साथ लिख दो कि वो कामयाब होके आ गए, हमने जाना है कामयाब होके चले गए, और बाकियों को इस लिहाज से कर दो कि वो गर्क हो गए, इनको इस सजात से लेके आओ कि वो शहादत का जाम नोट करके आ गए। अल्लाह ताला रहम करे, करम फरमाए, एहसान फरमाए, हम अजीब व गरीब कैफियात से गुजर रहे हैं। अब आपके दिल में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये क्या बातें हैं, किस तरह से, मैं तो नमाज पढ़ने नहीं जाता, अल्लाह करे हम सब जाते हों, मैं तो रोजे भी रखता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, वो भी करता, यकीनी तौर पर हमें हर हाल में ये करना है। नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खास तौर से बच्चियों और बच्चे सब सुनिए, क्योंकि इस पर हमारी कमजोरी है, इसलिए कोशिश होती है कि तकरीबन हर प्रोग्राम में ये बात करूं, क्योंकि अक्सर व बेशतर देखा भी जाता है कि नमाज का वक्त होया ना, हाल भरे हुए होते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड भरे हुए होते हैं, नमाज में दो चार सफा होती है, दुख होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान और काफिर में जो फर्क जाहिर करती है ना वो नमाज है, कि मुसलमान नमाज पढ़ता है और काफिर नहीं पढ़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक जो है वो नमाज है। हमारा रब बारहा मरतबा कुरान करीम में फरमाता है कि नमाज 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 अकीमुस्सलाह, जगह जगह। लेकिन हम ये इससे लापरवाही बरतते हैं, ये हमारे लायक नहीं है। और ये जहन में रखिए कि नमाज बुराई से रोकती है। अब अगर खालिस होकर नमाज पढ़े ना तो सबसे बड़ी बुराई जो है ना इंसान के अंदर, अल्लाह करीम ने जहां ये फरमाया ना कि एक इंसान का कत्ल, इंसान का ज़हन में रखिए इंसान का जिक्र है, उधर मोमिन या मुसलमान की बात नहीं है, क्योंकि वो आलमीन का खालिक है और आलमीन को पालने वाला है, और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं,
जिस जर्रे का वो रब है उस जर्रे के तेरे और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम उस जर्रे के लिए रह हैं। इन चीजों को खूब समझ के रखिए। कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाते हैं जहां अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि मैं झगड़ालू को पसंद नहीं करता, झगड़ा करने वाला उससे मेरी कोई दोस्ती नहीं है। वहां अल्लाह ताला ने यूं भी फरमाया कि फसादियों को भी मैं अच्छा नहीं समझता, भले वो कोई चीज लेकर आगे आए और फसाद बर्पा करने की कोशिश करें जमीन के ऊपर, अल्लाह ताला फरमाते हैं फसादियों को भी मैं नहीं पसंद करता। जिस चीज के लिए आगे मैं बात करना चाहता हूं वो है फितना। अल्लाह करीम ने फरमाया कि एक इंसान का कत्ल जो है ना वो यूं है कि जैसे तुमने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। एक इंसान का नाहक कत्ल वो यूं है कि सारी इंसानियत, पूरे जितने इंसान हैं, सारी इंसानियत का कत्ल किया, अरबों खरबों की तादाद में जितने सबसे तुमने मार डाला, एक को नाहक कत्ल किया। अल्लाह करीम फिर कुरान करीम में ही फरमाते हैं कि ये जो फितना है ना, मैं बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ी बुरी चीज है क्या। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये जो फितना है ना, फितना ये कत्ल से भी बुरा फेल है। कुरान करीम ने इसकी मजम्मत यूं फरमाता है कि जो एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है ना, उससे भी जो बुरी चीज है वो फितना पैदा कर गए, लोगों में दूरियां पैदा कर गए, लोगों को आपस में लड़ाना झगड़ाना, लोगों को शकों को शुभात का शिकार करना है, लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। इसके बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये इंतहाई बदतरीन फेल है। नमाज बुराई से रोकती है। असल बुराई जो है ना, असल बुराइयां जिनको हमें समझना चाहिए, और जो क्योंकि मेरी ढेरों रूहानी औलाद बैठी है यहां, उन्होंने तो सुन रखा होगा, मैं अक्सर जिक्र किया करता हूं कि रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन, मैं जो बात करूंगा पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, किसी को चाहिए मैं कुरान और हदीस खोल के उसे दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं मेरा ताल्लुक खानकाई निजाम के साथ है। खानकाई निजाम अमन का पैगाम देती है और खानका ये मदीना पाक से लेती है। खानकाई निजाम नफरतों को खत्म करने का पैगाम देती है और खानका ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पाक की खैरात लेके देती है। औलिया अल्लाह जो खानकाई निजाम का असल है, रूह है, उनका पैगाम पैगाम मोहब्बत था, है और रहेगा। और ये क्योंकि ये मामलात रूहानी है और रूहानी सफर वाले में बंदा चल नहीं सकता जब तक इधर नफाक होगा। तेरे और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक है तो सब ठीक है, वो ठीक नहीं तो कुछ ठीक नहीं है। ना टकरें ठीक है, ना रुकू ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है अगर ये ठीक नहीं है। अब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक टुकड़ा है, उतरा है, असाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने, मैं बच्चियों की भी पूरी तवज्जो चाहता हूं कि मेरी तरफ तवज्जो रखे, ख्याल रखे, ये वो चीजें हैं जिनसे आपको सुकून मिल सकता है, इत्मीनान मिल सकता है, अपने रब की रजा हासिल कर सकते हैं। और ये सब मदीना पाक की वो खूबसूरत तरीन आला तरीन रोशनी है कि जब जिसे मुसलमानों ने अपनाया ना, जो आप जिक्र फरमा रहे थे, तो मुसलमान पैर उठाता था ना जमीन बाद में जमीन पर बाद में लगता था, कामयाबी पहले कदम चूम लेते थे। ये सारे मसाइल हमारे अपने हैं, हम असल को भूल गए हैं, हमने उस रास्ते को छोड़ दिया कि जिस रास्ते पे हमें चलना चाहिए, उस रास्ते पे चलने के लिए तेरे और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्म का एक लोथड़ा है, एक हिस्सा, अगर वो ठीक है तो सब ठीक है,
अगर वही ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। असाबे कराम रिद्वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाईन ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बाप और माँ आप पे कुर्बान, करम फरमाइए, एहसान फरमाइए, वो हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा है, कौन सा लोथड़ा है? आपने कहा वो तुम्हारा दिल है, दिल के ये ठीक हो। और दिल एक तो तुम जाते हो ना क्यों स्टड पा दे, ओवरऑलिंग हो जाए और इसको बाईपास हो जाए, ओपन हार्ट सर्जरी हो जाए कि इसको बीमारी लग गई है। हमारा दीन पता है क्या बताता है कि इसकी असल बीमारी कौन सी है? वो निफाक है। इसकी असल बीमारी निफाक है। निफाक निफाक नफरतों को बिखेरता है। निफाक लोगों को आपस में एक दूसरे से दूर करता है। निफाक तबाही फेरता है। निफाक हर चीज को जला के खाक कर डालते हैं। निफाक ही फितना पैदा करता है। निफाक ही सारे मसाइल का कि असल जड़ है। इस हवाले से मैं आदि से मुबारका की तरफ जा सकता हूं कि मुनाफिक किसको कहते हैं, झूठा कौन है, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं उधर नहीं जाता। तेजी से आपको उधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं बात करना चाह रहा हूं। किबला साहब की तशरीफ आवरी से कबल कि इसकी असल जो बीमारी जो है ना, वो जो सब कुछ सारे चीज ये एक्सरसाइज है, ये फाके। अल्लाह ताला फरमाता है मुझे तुम्हारी भूख और प्यास से कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है ये गोश्त और खून आ रही है, ये मेरे तक नहीं पहुंचता, मैं तो इधर देखता हूं कि इधर क्या है, किस नियत से कर रहे हो, किस अखलास से कर रहे हो, तुम्हारा दिल कैसे धड़कता है। इस तरफ तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। और खराबियां पैदा भी इसी से ही होती हैं। इसे ठीक रखिए, इसे मोहब्बत से भर के रखिए, इसमें नफरत ना पैदा होने दें, इसमें मुनाफ़िकत ना आने दें, इसे अखलास से भर के रखें। क्योंकि अगर ये ठीक हो जाता है तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारा फिर सब कुछ ठीक है, यही ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। इसी वाले से जो मैं हदीस मुबारक मैंने कहा मेरी रूहानी औलाद को तो तकरीबन सबको जुबानी याद होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम रोने का फरमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि तुम किसके बारे में ख्याल करते हो कि ये मुफलिस है, इसके फले कुछ भी नहीं है, कंगला है। असाबा कराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने दरबार रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बाप और मां आप पे कुर्बान, दुनिया का ये कायदा है कि अगर किसी के पास चंद भेड़े नहीं है, चंद ऊंट नहीं है, कोई खजूरों का बाग नहीं है, कोई सामान तजारत नहीं है, वो समझते हैं दुनिया वाले से कहते हैं कि ये मुफलिस है, इसके पास कुछ नहीं है, कंगला है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, इसे तो मुफलिस नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये तो उसका निजाम है, किसी को किसी हाल में लाता है। क्योंकि ये याद रखिएगा, ये अगर बंदा इस चीज को जहन में बिठा लेना तो बड़े मामला उसके ठीक हो सकते हैं कि ये एक इम्तिहान गाह है। आया बंदा ठक करके अगे जा रहा है, पर्चे सबके पास मुख्तलिफ है, किसी को बहुत ज्यादा दे के इधर पर्चा हल करने के लिए भेजा, किसी को हैंड टू माउथ दिहाड़ी लाई रात खा लिया, इस अंदाज से रखा है, किसी को बड़ी ज्यादा सेहत दे के रखा है, किसी को बीमारी के साथ, क्योंकि इम्तिहान गाह है, ये एक इम्तिहान गाह है। इधर बंदा इसी हाल से आता है और फिर आगे चला जाता है, उधर उसने सब्र और शुक्र अदा किया, हर वक्त कहता रहा, बोला जिस तरह तू राजी उस तरह मैं राजी, जिसको ये मिल गया ना, यह अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक, क्योंकि जुबान से निकला करता अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल, या अल्लाह तू जिस हाल में रखे ना मैं उस हाल में खुश हूं, क्योंकि मैं आया ही इस आजमाइश के लिए, मेरी मदद जरूर करना, मैं इम्तिहानों आजमाइशों के काबिल नहीं हूं,
लेकिन उस पे खुश हो जिस पे तू खुश है। मेरी मदद कर फरमाना कि तेरी मदद के बगैर ये मैं दुश्वार गुजार तरीन सफर तय नहीं कर सकता। ये सफर शुरू हो जाता है उस वक्त जब बंदा दुनिया में आता है और इसका अख्ताम होता है जब दुनिया से जाता है। सफर है दुनिया की जितनी भी उम्र है जिंदगी है ये एक सफर है और इस सफर में हम आए इसलिए हैं। और हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला आप इसके बारे में फरमाते हैं कि जान ले कि तू एक ऐसे जंगल में है जहां कांटे ही कांटे हैं चार तरफ और तूने इस जंगल से इस अंदाज से निकलना है कि अपने आप को बचा के निकल जाए। मैं वापस उधर ही जाता हूँ जो बात कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जब अर्ज की गई ना कि दुनिया में किसको मुफलिस कहा जाता है तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुफलिस नहीं है। आपने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि मुफलिस किसे कहा जाता है, किसको कहा जाएगा कि वो खाली था कुछ भी नहीं उसके पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि एक शख्स दुनिया से जाता है इस हाल में जाता है। ये देखे बच्चों और बच्चियों ये खानकाई निजाम दरअसल हकीकत इस्लाह का निजाम है। इधर बंदा इसलिए जाता है कि उसकी इस्लाह हो सके और उसके लिए उसके पास के लिए इंतहाई जरूरी है कि जैसे डॉक्टर के पास जाता है कि जिसम की बीमारी है और उस पर अंधा एतकाद करता है कि ये मुझे दिल की तकलीफ है गोडे दुख दे गुर्दिया का मसला जो मुझे ये देगा वो मैं खाऊंगा तो मेरा जिस्म ठीक हो जाएगा। बैन ही वैसे ही खानकाही निजाम से वो तरबियत की जाती है कि ये इस्तेमाल कर तेरी रूह ठीक हो जाएगी तू हल्का फुल्का हो जाएगा तेरे रूह की जो गंदगी है ना ये हट जाएगी। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। ये जिस्म जिसको जानते हैं समझते हैं कि इसकी ओदे कनस्तर भी बुलाओ ना देसी जो मर्जी कर दे रहो बड़ी तेजी से चलता है ये सिलसिला। इंसान आता है मैं उसे अपनी उम्र के लोग देख के बड़ी हैरत होती है क्योंकि चार सिलसिले होते हैं ना आया बचपन है उधर से जो अगर बंदा चल पड़े वैसे तो किसी को मैंने पहले कहा ना किसी बच्चे को पता ना जवान को ना बुढ़े को अगले अन्न में क्या होगा। दूसरा सिलसिला आता है लड़कपन का फिर जवानी जोर पकड़ जाती है उसके बाद कौन सा सिलसिला होता है बुढ़ापा फिर बंदा बुढ़ा हो जाता है मेरी तरह हो जाता है। उसके बाद तो उसका पैर उठ से उठ रहा होता है किस तरह पहले तो इन जा रहे होंगे ना पहला सूरी दूसरी फिर ए तीसरी फिर ए होती है कब्र। बाबियां की भी ख्याल नहीं आता है एक तो बाबे होते हैं सुभान अल्लाह कमाल के बाबे कमाल के बाबे कोई बाबा पाक पत्थर शरीफ बैठे हुए अल्लाह 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 रंग डालते हैं कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है। हमारे जो बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो ईदगाह में बैठे हैं वो 85-86 साल की उम्र सर संगिया की तरबियत का बेशक करते रहते क्या फरमान लगे तको मेरी तरफ बुढ़ा हो गया सहारा लैज उठता तुम कई बार पकड़ भी लैद टोरन भी हालांकि मैं बड़ी बड़ा वक्त गुजारे आपने इस बर्रे सगीर में मेहनती है ये औलिया अल्लाह की भाई जी गड्डी च बह के एक लफाफा लैके आके गां गां करके बह के चुड़ जाना खराटे मारना इस तरह नहीं दीन फैला औलिया अल्लाह की बड़ी मेहनती है बहुत मेहनती है बहुत मेहनती है। मैंने अपने शेख के खुद बूट उतारे हैं एडे एडे बड़े छाले होते सर पहाड़ा चल चल के दीन की खातर अल्लाह ताला करम फरमाए आसान फरमाए। इन ठेकेदारों ने जो निजाम शुरू कर दिया ना जिस कैफियत से गुजर रहे हैं जिस हाल में गुजर रहे हैं ये हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हर एक ऐसी बड़ी बड़ी हस्ती है कि सारे दे सारे इकट्ठे हो जाइए उन्होंने जुत्ती की खाक दे दर्द नहीं हो सकते तो मौलवी वाली पकड़ के उन्होंने बारे गल कर दे शर्म नहीं आती घर मर गई है पता नहीं कल बंदा अपने बारे सोचता है ना कि मेरा की होएगा तो डर जाता है
کہ کی منہ لا کے اس نے حضور پیش ہوگا کس طرح صاف دیا دوسرے کا بوجھ نوجوان نسل کو کنفیوژن کا شکار کرنا لوگوں کو ان ہستیوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کرنا کہ جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جس کے پیچھے جاؤ گے سیدھے جنت جاؤ گے اگر ان کے پیچھے چلنے میں جنت ہے تو ان کے بارے میں کوئی پلٹی پلٹی بات کرنے میں جہنم ہے اہل بیت پاک فرفا والا اصحابہ کرام بلند و بالا اور اولیاء اللہ کے تو احسان ہم اتار ہی نہیں سکتے تھے یہ تو اڈا لیا ادھر کوئی رام ہوندا تو کوئی سنگھ ہوندا یہی تھا ہندوستان میں ایک ایک ہستی آئی ہے جنہیں اللہ والے کہا جاتا ہے کسی کو عبداللہ بنا دیا اور کسی کو عبد الرحمان بنا دیا یہ ان محبتیں تقسیم کرنے والوں کے کاوشیں ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جھنڈا لے کے گئے ہیں ان لوگوں کو سینے سے لگایا جنہیں لوگ کمی سمجھتے تھے انہیں ساتھ بٹھایا نتیجہ کیا نکلا اپنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اپنی محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا یہ تو ہم یہ تو بڑی بڑی ہستیاں جن کا ہم بات کرتے ہیں بہت بڑے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک کے تو سب کو نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا رب جہاں آپ کو فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا خلق عظیم کے مالک ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اخلاق کی عادت کو کامل کرنے کے لیے مکمل کرنے کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ کوئی بھی کمی ہے نا زبان میں تلخی ذرائع برابر بھی ہے ادھر ذرا بھی مسئلہ خراب ہے تو میں آیا اس شان کے ساتھ ہوں کہ تمہیں ڈاڈا بٹھا بڑا چاہتا زبانیں میٹھی دل نرم احساس خیالات پاکیزہ نیتیں اچھی گمان اچھے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور ہمارا رب آپ کی اس شان کو بھی بیان فرماتا ہے تجھے اور مجھے مخاطب فرما کے فرماتا ہے کہ تسی تہاڈا پیڑا آلسی ایک دوسرے دے دشمن سو ایک دوسرے دے گربانا تے ہاتھ پا دے سو ایک دوسرے دی عزتاں اچھال دے سو ایک دوسرے دے سخت مخالفت سی اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ تمہاری نفرتوں کو محبتوں میں تقسیم کر دیا دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل کر دیا تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیونکہ ہم نے چلنا وہ راستہ ہے آپ تو اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کا تو ایک ذرہ خلق عظیم کا ساری کائنات کو تقسیم ہوا تو ہمیں بڑے بڑے اچھے اچھے عرفہ والا لفتیاں نظر آئی اس ذرے کے صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہمیں آپ کے رستے پہ چلنے کے لیے اللہ کریم فرماتا ہے میں نے یہ جو آپ کو یہ بنایا نا کہ ڈاڑے مٹھے ڈاڑے سونے ڈاڑے لوگوں کی یہ تکلیفات دور کرنے والے ڈاڑے لوگوں سے ہر دعاواں کرنے والے ڈاڑے ہر ایک کم آنے والے اللہ کریم فرماتا ہے اس وجہ سے ساری مخلوق آپ کے پیچھے پیچھے ہے تربیت کی مولوی صاحب کی تھی پیر صاحب کی تھی کہ اگر راستہ اپنانا ہے تو یہی راستہ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو راستہ دے کے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے ہمارا بہت سارے راستے ہیں اسلام مبارک لیا آپ نے کوئی ادھر لائن کوئی ادھر پھر آپ نے ایک سیدھی کھائی جی آپ نے ہمارا بہت راستے ہیں لیکن اس کا راستہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ میرا راستہ ہے اور آپ کا راستہ آپ العالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں آپ ہمارا بھلا چاہنے والے ہیں آپ ہمارے کام آنے والے ہیں کل پرسوں ہی میں کہیں بات کر رہا تھا کہ سورہ توبہ کی آخری آیات مبارکہ کے اوپر محدثین مفسرین نے جب لکھا ہے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہمارا بھلا چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے ایسا رؤوف رحیم بنایا ہے ایسا ہر وقت دعائیں ہمارے لیے ایسے حریص ہیں کہ ہمارا کام بن جائے کیوں لکھتے ہیں کہ تمہارے میں سے کسی کو اگر
आपकी उनके उम्मती को अगर गांव में पांव में कांटा चुभता है ना तो उसका दर्द वो बाद में महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दर्द पहले महसूस करते हैं। इस सवाल से भी अगर हम देखें कि अगर किसी को दर्द होता है तो वो आप महसूस करते हैं, तो दर्द देने वाला वो कैसा आप अलैहिस्सलाम के सामने होगा? दर्द दूर करने वाला कैसा होगा और दर्द देने वाला कैसा होगा? खुदा के लिए अल्लाह ताला देके दुआ कीता करो, या अल्लाह सान विकण तू बचाई ते सान इस्तेमाल हो तू बचाई, ना असी विकिए ते ना असी इस्तेमाल होइए, असी रहिए असी विक गए मदीना पाक दे ना ते साड़ी जुबान तो निकलेगा भी लफ्जी होई, असी हर जगह होवांगे वैसे ही जैसे आप अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया है, जैसा आप हमें देखना चाहते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुबारक है, जिस तरफ आप हमें लेके जाते हैं, जिस तरफ आप हमें बुलाते हैं, वो एक ही रास्ता है अमन का रास्ता, वो एक ही रास्ता है प्यार का रास्ता, वो एक ही रास्ता है मोहब्बत का रास्ता, और यही औलिया अल्लाह ने लिया। इसी को लेकर उसी पाक दरबार की रोशनी को लेकर जिधर बैठे हैं ना, ये लाओ दाता हजार साल हो गए आए कैसा रंग आज तक रंग रहे हैं इन अस्थियों ने जिनके मैंने पहले बात की, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, कैसे कमाल की तरबियत फरमाते आप, आपने अपने किसी हम असर के साथ मायदा किया एक अल्लाह वाले थे, नजर उधरी रहती थी, वादा भी वही किया कि आगे का था। आप फरमाने लगे अगर मैं पहले गया ना तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने मेरी सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद फरमाया, और अगर आप पहले चले गए तो मेरे से वादा करेंगे मुझे आपको आगे बताएंगे, ताकि मैं जो मैं रह गया या आप बाकी सारा वक्त उस तरफ ज्यादा जोर लगाएगा। आप फरमाते हैं कि वो मेरे जो अमसर थे वो मुझसे पहले चले गए और हंसते वादा मुझे आके मिले और मुझे कह रहे लगे बाबा अल्लाह ताला ने तो मेरे से ये पूछा कि मेरी मखलूक के लिए क्या किया, मेरी मखलूक के लिए क्या करके आया है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि उसके बाद पहले ही इन्हीं लोगों ने मखलूक के मामला ठीक किए हैं, इन्होंने दिल की को भी ठीक किया, जाहिर भी ठीक किया, बातन भी ठीक किया। आप फरमाते हैं कि मैंने उसके बाद और भी ज्यादा जोर जो देना शुरू कर दिया वो मखलूक खुदा की भलाई के लिए, मखलूक खुदा की रहनुमाई के लिए, मखलूक खुदा को दुआओं देने के लिए, मखलूक खुदा के काम आने के लिए। यही अल्लाह वाले थे, अल्लाह के फजल से आला तरीन ड्यूटियां की, अल्लाह के करम से ये जो बहारे हैं ये औलिया अल्लाह की खूबसूरत तरीन आस्थानों से वाजे उठी और चार तरफ फैली। अल्लाह ताला अपने करम और अपने फजल के साथ तुझे और मुझे अपने रूहानी मुआलिज के साथ अपने तल्लुक को मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए, जिसे उर्फ़ आम में शाख कहा जाता है या तुसी पीर जी कहते हो, वो रूहानी मालिज होता है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करने वाला होता है, वो अपनी औलाद का भला चाहने वाला होता है, उसके कंधे पे ये उसने जिम्मेदारी डाली होती है कि तू तेरे ये जिम्मे है, तू इसकी इस्लाह कर, और उसके पास नुस्खे वही होते हैं जो मदीना पाक के, रास्ता वही है जो मदीना पाक का है, जिधर रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है और रहमत ही रहमत, ठाठा मारदा समुंदर रहमत आता। आइए उधर चलू जो बात कर रहा था किबला साहब किसी भी लम्हे आज तशरीफ ले आए हैं। अब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं इसे मुफलिस नहीं कहा जाएगा, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि मुफलिस कौन है। एक शख्स की मौत इस हाल में वाकई हुई, बड़ा पक्का नमाजी थी,
रोजे रखता था, हज भी करके आया, ज़कात भी देता था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे हैं। आप वादे थोड़ी बहुत नहीं सी, आप वादे पहाड़ों की तरह उसने अमाल इकट्ठे कर रखे थे, पहाड़ों की तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अमाल उसके साथ गए, और रोजे महशर को जब रब के हुजूर खड़ा हुआ ना हिसाब देने के लिए, तो पहाड़ों की मानत उसके साथ अमाल थे, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात। रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हादी और रहनुमा, जिनके बारे में हमारे रब ने फरमाया नजर रखना तो इन्हीं की तरफ, जो ये दे ले लेना और जिससे रोके रुक जाना। आप फरमाते अल्लाह के हुजूर ये सब लेके खड़ा भी हो गया, साथ पहुंच गई उसकी। इधर एक शख्स आया, उससे अर्ज की गई, या अल्लाह ये जो बंदा है ना, इससे फलां मकाम पर मेरे दिल को तोड़ दिया था, मुझे तकलीफ दी थी, मेरे लिए ऐसा जुमला कहा था कि मैं सबके सामने, लोगों के सामने से मेरी इज्जत खराब की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं दिल, पहले भी मेरे दिल की बात की थी, अभी फिर दिल की बात पे एक अल्लाह वाले याद आ गए। सफर में थे, काम में लगे हुए थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, किसी उनका यह मामूल था कि खाली रमजान ही नहीं सारा साल रोजे रख रहे थे, डफी रोजे, अपने किसी चाहने वाले इरादतमंद किसी मरीज के घर पहुंचे, छोटी सी झोपड़ी थी, उसने अपनी इस्तेआत के मुताबिक कुछ इकट्ठा किया हुआ था, कहने लगा कि ले। आपने फरमाया कि नहीं, इस वक्त दिल नहीं है, तबीयत नहीं है, क्योंकि साथियों को खुलफा को मना कर रखा था कि लोगों को ना बताना, क्योंकि उसमें शायद वो दूसरा, उन वो शायब उन शायबों से पाक थे, लेकिन अल्लाह वाला बड़ा मोहतात होता है, बड़ा मोहतात होता है, वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना आ जाए। और सीखा कहाँ से है कि मोहतात रहना। आज दे यार खुदा की कसम, अल्लाह ताला रहम कर दे हमारे हाल, होती है बारी अपनी अना है, थे समय पहुंच रही होती है, हम कहते हैं हम अल्लाह की खातर निकल रहे हैं, खुदा दा वास्ता है, वो हर चीज को जानने वाला है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहु करीम, जब आप करीब थे तलवार उठा ली थी अल्लाह की खातर, गजवा मुबारक पे थे, करीब था कि उसका सर तन से जुदा कर देते, उसने थूक दिया आपके चेहरा मुबारक के ऊपर, छलांग मार के पीछे हो गए। वो हैरान रह गया कि ये क्या, ये आपने मुझे छोड़ दिया, मेरा बस चलेगा फिर लड़ूंगा, शायद आप मुझे ईद कर दूं। अब पहले मेरी तलवार उठी थी, अपने रब की खातर उठी थी, कदम उठता है तो अपने रब की खातर, दिल धड़कता है तो अपने रब की खातर, अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में। अब तूने ये जो थूका ना, तो मुझे बेखौफ आया कि कहीं ऐसा ना हो कि राई बराबर वो पाक ही नहीं है हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जो उनसे मोहब्बत करता है वो उसे पाक भी कर देते हैं, जो मोहब्बत करता है, जो उनसे मोहब्बत करता है वो नमाजी हो जाता है, जो उनसे मोहब्बत करता है वो परहेजगार हो जाता है, जो उनसे मोहब्बत करता है वो शरीयत मुतहरा को मजबूती से थाम लेता है, क्योंकि वो तो रूहानियत के बादशाह हैं, उनके दरबार पाक की खैरात औलिया लेके लोगों को तकसीम करते हैं, उनके दरबार पाक, उनका दरबार पाक ही है। खैर मैं बात कर रहा था उधर, राई बराबर भी नहीं, लेकिन फरमाने लगे कि कहीं किसी सूरत भी किसी जगह ये आ जाए कि तूने मेरे ऊपर थूका, इस वजह से तलवार तेरे ऊपर गिरी, आप दोबारा आना चाहता तो आप। उसने कहा अब मैं कैसे आऊंगा, अगर आप उसकी खातर आपकी ये कैफियत हो गई है, उसकी मोहब्बत में आप इस अंदाज से बढ़े हैं, तो पता चल गया उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना ये तलवारें और ना घर, जो कुछ है वही है। उसने भी कलमा पढ़ लिया, ये होता है, इस तरह से पढ़ाए गए, इस तरह से लोगों को रगा गया है, और यही तरीका है। बाकी तरीकों से आपने देखा ग्रो बनने, एक दूसरे के परक्षे आते हैं,
एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। वजूहात ये हैं कि कोशिश किया करें कि लोगों को कहें कि ये अच्छे इंसान बन जाओ, ताकि देखने वाला कहे कि इस्लाम कैसा दीन है कि कैसा इंसान बना डाला है। क्योंकि असहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के रोजे देखकर, एक वाक्या तो मैंने बयान किया ना, बहुत सारे कर सकता हूँ, रात की इबादत देखकर, वज़ाइफ देखकर, ये इस्लाम इतनी तेजी से नहीं फैला था। आप अलैहिस्सलाम के कुल के अजीम को जो असहाबा कराम ने लिया, जो उनके अंदर इनकलाब बरपा हो गया, वही लोग जो बच्चियों को दफन करते थे उन्हें उठा के सीने से लगा के उनका ये यकीन हो गया, ये ज़हमत नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। इसमें हम मुसलमानों को ख्याल भी रखना चाहिए। एक बेटी हो जाए ना तो शक्ल यार खुदा के लिए, ये अल्लाह की रहमत है। दूसरी हो जाए तो बीवी की तब क्या देना पड़ता है, वो तेरा अख्तियार है, जा उसकी देख कि जिसको औलाद नहीं। मैं तो बैठा इसी जगह रोज लोगों को देखता हूँ। खुदा के लिए अपने दीन की रूह को समझे। ये औरत के अख्तियार में नहीं है, ये उसके अख्तियार में है। और अगर दीन को समझ, तो दीन तो ये बताता है, दीन के मामलात हैं, बच्चियां बैठी हैं, लेकिन दीन तो सिखाना चाहिए ना। इसमें दीन ये कहता है, इसमें मामला तेरा अपना है, तू कमजोर है, इस वजह से। खैर ये ज़हन में रखो, अल्लाह देने वाला है। इधर वह हर आज की साइंस जो कुछ बता रही है ना, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने 1500 वर्ष पहले एक एक चीज करा दी थी। खैर वो देखते कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाईन सीने से लगाते हैं। वो देखते कि वो माँ बाप जिनको वो बोझ समझते थे उनको सरों पे उठा के फिरते हैं, उनके पैरों को चूमते हैं। ये इनकलाब बरपा हुआ ना, तो फिर लोगों का रुख इस तरफ हुआ था। खैर मैं चलूं वही बात, और इंशाअल्लाह उसी पे क़िबला साहब तशरीफ ले आएंगे। अल्लाह करीम के आगे आज करेगा कि वो जो मैं बात कर रहा था अल्लाह वाले की, के वो रोजे से होते थे मना कर रखा था कि बताया ना करो, उसने कहा कि जनाब मैं गरीब आदमी हूं, तो पता नहीं मैं किस तरह मेहनत करके तेरा शेख आ रहा सी, तो ये कुछ किया, ये हम खाते पीते नहीं है, ये आपके लिए बड़ी मेहनत की है, करम फरमाए, कुछ तो इसमें से इस्तेमाल करें। आपने उठाया, असर का वक्त था, खा पी चल गया। पीछे खुलफा को आपने इशारा भी फरमाया कि खबरदार बोलना नहीं। बाद में खुलफा ने अर्ज की, हजरत सारा दिन रोजा, असर ए बेवकूफ, तू सब मना भी किया दसरा नहीं, ये क्या हुआ? आवेगा कि अगर मैं ना लेता ना तो जिस मोहब्बत से कह रहा था इसका दिल टूट जाता। रोजा टूटा ना नफली है, मैं उसको मना लूंगा, लेकिन दिल टूटे टूट जाए तो उसे बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह करीम फरमाएंगे, जब वो कहेगा ना इसने मेरा दिल तोड़ा था, तो अल्लाह करीम फरमाएंगे उठाओ इसकी कुछ नमाजें इसको दे दो। दूसरा कहेगा कि इसने मुझे गाली दी थी, अल्लाह करीम फरमाएंगे उठाओ इसके रोजे कुछ इसे दे दो। तीसरा कहेगा इसने मेरी इज्जत को छाना था, जो आज मुसलमानों का पसंदीदा तरीन मशगला है। लिया खेडे ठक 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 ठक, लोगों की इज्जतों जानते हैं, पता है, दीन से दूरी है, उठा के किसी से सुना आगे बयान कर दिया। हमारा दीन तो कहता है कि अपनी कुरान है, अपनी आंखों से भी किसी को देखो ना तो खबरदार उसके चर्चे मत करो, क्योंकि कल तू उधर खड़ा होगा ना तो तू अर्ज करेगा या अल्लाह मेरे आबो पे पर्दा डाल दे, मैं तो बड़ा मौलवी सा, बड़ा पीर सा, बड़ा बल्ले सा, आज पता चलेगा तू है किस है, तू हथ बनेगा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तूने पर्दे डाले थे, अगर डाले थे तो तू हक रखता है, और अगर जाके लोगों की इज्जतें छाली थी तो तेरा इस पर कोई हक नहीं है। यार अपनी आखिरत की तरफ निगाह रखा करो। आप फरमाते कि जब वो इसी तरह शिकायतें होती रहेंगी और लोग अल्लाह के लिए फरमाते रहेंगे कि इसको हज दे दो, इसे रोजे दे दो, इसे नमाजें दे दो, यहां तक कि वो ऐसे खड़ा होगा कि उसके पल्ले ना कोई नमाज रह जाएगी, ना रोजा रह जाएगा, ना हज रह जाएगा,
ना ज़कात रह जाएगी, खाली होगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसे मुफलिस कहते हैं। आपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को फरमाया इस मुफलिसी से बचो, इससे बचना बहुत जरूरी है कि दुनिया में वैसे जिंदगी गुजारो जैसे गुजारनी चाहिए कि लोगों के लिए तकलीफ करना बस बनो। हमारा मामला हम दूसरे रास्ते पे चल पड़े हैं, हमने वो रास्ता छोड़ दिया, हम उस तरफ रहे नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोने का फरोज़ है। जब आप बैठा करते ना, जब आप बैठते हैं या अगर उस वक्त पे जब आप उधर रोने का फरोज़ है तो आपने फरमा के तवज्जो करो मेरी तरफ। असाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की तो तवज्जो हर वक्त होती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, हर तरफ ध्यान उधर, हर तरफ ख्याल उधर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। उधर ये थोड़ी होता था कि इधर उधर बंदा कोई आता है सारे उधर देखने लग पाते हो, इधर से कुछ होता है तो सारे तवज्जो उधर चली जाती है। मैं भी कमजोर हूँ, आप भी कमजोर हैं, ना मेरे में वो बात पे असर है कि आप तवज्जो रखे सुनने की, ना आपका ध्यान उस तरफ रहता है क्योंकि इधर ध्यान लग गया, गल ही सारी ध्यान दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ, ईदगाह शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोने को फरोज होते हैं ना तो आदि से मुबारक में आता है कि ऐसा खूबसूरत मंजर होता कि निगाह तो उठती आप अलैहिस्सलाम की तरफ लेकिन अनवारे इलाहिया की जो तजल्लियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के ऊपर हर वक्त बरसती है ना, किसी आंख में ये ताब नहीं कि ज्यादा देर उठती रह भी नहीं सकते, उठती और झुक जाती। ये सूरज जो है ना बेचारा जब जून जुलाई से बाहर निकलता है ना, ये तो आपके दरबार पाक के खैरात में से अरबों खरबों को, फिर उनका अरबों खरबों, फिर उनको अरबों खरबों का एक हिस्सा उधर से नूर लिया जो आपका चेहरा है मुबारक है, जो उधर अनवार इलाहिया की तजल्लियात बरसती है वो सोच भी नहीं सकता। जो आपने अंधेरा दूर किया ये सूरज तो बेचारी बेचारा अंदर नहीं आ सकता ना, तो आपने तो हमारे दिलों को रोशन कर दिया। हम अगर वो रोशनी लें, अगर हम उस तरफ तवज्जो करें, ख्याल उधर रखें, ध्यान उधर रहे, इधर तो वो ऐसा कैफियत होती कि हाथ बंधे सारा ऐसे। हदीस मुबारक है कि उस दरबार पाक में असाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हर वक्त हाथ बांधे हुए सिर ऐसे आने वाला समझदा याद इन्हों के मोढ़ियां ते कोई बोरी रखी रखी गई कि उठ नहीं सकते, या इन्हों सिर कोई परिंदा आ बैठा है कि लादिया डरते हैं। यह हदीस मुबारक के अल्फाज है कि परिंदा ना उड़ जाए, यह अदब का मकाम होता। तवज्जो मुकम्मल उधर, मुकम्मल उधर हुआ करते, पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब कोई सुई भी गिरे ना तो उसकी भी आवाज आती थी। आज भी आपके दरबार पाक के लिए यही हमें हुक्म है कि उधर जब जाओ तो खबरदार आवाजों अपनी बुलंद ना करना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उस पाक दरबार के लिए खुद कानून बनाया है। वैसे हमेशा ये होता है कि बरीद कहता है मेरे पीर साहब ख्याल करी, औलाद कहती है मेरे वालिद साहब है, मेरा बाप है माँ है ख्याल करी, शागिर्द कहता है मेरा उस्ताद है ख्याल करी, छोटा बड़े के आदाब सिखाता है। लेकिन कमाल का दरबार है मदीना मुनव्वरा, कमाल का दरबार है हमारे आका अलैहिस्सलाम का दरबार पाक के जो सबसे बड़ा है ना रब, वो फरमाता है खबरदार या अगर तूने आवाज भी बुलंद की ना तो तेरे सारे अमाल खारिज कर दूंगा और तेरे पता भी ना चलेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये पता नहीं चलने वाला जो है ये पहले भारत होने वाले ज्यादा सख्त सजा है, क्योंकि मैंने पता चल जाए ना मैं इस बच्चे सख्ती कर देती है, मैं कहा बेटा माफ कर दे, पता चल गया ना दिल जुटिया, पता चलिया कि नहीं करना चाहिए, की फर्क पैदा। मैं तुम्हारे सारे आगे हाथ बांध के कहा यार मेरे को गलती हुई है तो माफ कर, की क्या
आगे बहुत कुछ बन गया, आगे आगे करिए सब कुछ है इसी में। इधर ये जो है ना सब भारत कर दूंगा, ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि सब दबोच डालूंगा। आगे जो है ना तुझे शौर ही नहीं होगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा, तू समझेगा मेरे जैसा तबलीगिया ही कोई नहीं, मेरे जैसा तौहीद परस्ती कोई नहीं, मेरे जैसा तबलीग अल्लाह वाले ही कोई नहीं। अल्लाह गरीब फरमाता है मैं तू गुस्ताखी का मुर्तकिब होगा मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के दरबार पाक में, तेरा सब कुछ गारत करूंगा तो ठप्पा लाऊंगा, ताला लग जाएगा, तेर पता ही नहीं चलेगा, तेर हजार लोग खुदा का वास्ता ही है, मदीना पाक है, खुदा का वास्ता ही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, होश कर, मत मारी गई है तेरी गुस्ताखी भी अदबी कर, तू कहेगा नहीं मैं तो ठीक करता हूं, और तू क्या नहीं है क्योंकि तेरे ठप्पा लग गया है। तौबा पकड़ो कर, तौबा पकड़ ले बेटा, तौबा, मैं आप ही पकड़े पहले फिर जवान कह रहे हैं तौबा तौबा तौबा, या अल्लाह बेअदबी और गुस्ताखी से बचा के रखना, हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पे ऐसे गर्क रखना कि हमारे दिल धड़के तो आपकी मोहब्बत में, हमारे दिल में हो तो आपकी अजमत, हमारे दबाव में हो तो आपकी अरफा वाला चाहने पाक, बस यही चाहिए, यही चाहिए और यही काम आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा। जो मैं बात कर रहा था उधर वापस जाता हूं कि हमें वो जो पाक दरबार है ना जिधर वो ऐसे अदब की कैफियत दे, सरों को झुका के पूरी तवज्जो हर वक्त इस चीज के मुतलासी होते कि आप अलैहिस्सलाम कुछ फरमाएं हम उसे याद कर लें, हम उसे जाके फैलाएं, दीन के फरोग का जरिया बने। उधर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तवज्जो करो मेरी तरफ, तो जो चाहता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम खौफज़दा हो गए कि इस दरबार पाक में कोई ऐसा वैसा भी हो सकता है कि इधर उधर ख्याल हो, हम और हमारा दोष हो गए। आपने फिर फरमाया तो जो सहाबा किराम फरमाते हैं और ज्यादा पूरे के पूरे आपकी तरफ। तीसरी बार आपने फिर फरमाया कि तवज्जो चाहते हो तवज्जो करो मेरी तरफ। और मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन इस बात का ये इससे कि तीन बार आपका फरमाना जो है ना इसके बारे में बताते हैं कि आप इसकी अहमियत लोगों को बताना चाहते थे कि ये जो मैं बात करने वाला हूं कि कितनी अहम है, इसकी तवज्जो कितनी जरूरी है। आप अलैहिस्सलाम ने तीन बार फरमाने के बाद बताया कि ध्यान रखना, ख्याल रखना, जब मैं इस अंदाज़े मुबारक को इख्तियार कर लूँ ना जिसमें आज मदीना मुनव्वरा में आप अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज हैं, तो फिर उस तरफ ना पलट जाना वापस उस दौर में कि जो मेरे आने से पहले तुम थे, तुम्हारे हालात वो ना हो जाए कि तुम एक दूसरों की इज्जतों से खेलते थे, तुमने अकदार खत्म तक थी नंगे होके बैतुल्लाह शरीफ कर तो आप करते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था, मजलूम की को कोई देखता नहीं था, ताकतवर जो चाहे करता फिरता था, मां बाप की तुम्हें तकरीम नहीं करते थे, औलाद के साथ ये बर्ताव करते थे, बतौर पड़ोसी तुम्हारे हालात खराब थे, तुम अजीब और गरीब कैफियात का शिकार थे, मेरे तशरीफ लाने से पहले मेरे रौनक अफरोज होने से पहले जिन हालात में थे, जब मैं इस अंदाज मुबारक इख्तियार फरमाऊं जिसमें आज मदीना मुनव्वरा में आप रौनक अफरोज हैं, आपने फरमाया खबरदार वापस उस कुफर की हालत में ना पलट जाना। ये चीजें बयान फरमाने के बाद आपने वापस उस कुफर की हालत में ना पलट जाना। मैं तुम्हें तल्बी करता हूं तीन बार कि खबरदार ख्याल रखना, ये जो मैं देखे जा रहा हूं ना मॉरल वैल्यूज अकदार, ये जो तुम्हें बेहतरीन इंसान बना के जा रहा हूं, आपका दरबार पाक ही है ना, अभी बड़े दावे कर दिया मैं उन्हें तजद भी पढ़ के आया फजर छोड़ के
वो भी आपका दरबार है। मुझे कसम है अपने रब की वो ईमान वाला नहीं हो सकता। आपने फिर फरमाया कि मुझे कसम है उसके कि जिसके कब्जा कुदरत है मेरी जान है वो साहिब ईमान नहीं है। तीसरी बार आपने फिर फरमाया, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाइए, एहसान फरमाइए, ये किसके बारे में फरमा रहे हैं? आपने फरमाया कि जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज रहे, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है। आपने नफी फरमा दी अल्लाह की कसम उठा के कि वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अच्छा दाढ़ी सजी हुई है, लंबे लंबे पगड़ जुब्बे जुबान, जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे ये जो दो जबड़ों के दरमियान है ना इसकी जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अर्ज की गई कौन आपने भाई, ये जुबान जो है तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान, तुम इसकी जमानत दो मुझे कि तुम किसी को तकलीफ नहीं दोगे, किसी का दिल नहीं तोड़ोगे, किसी को परेशान नहीं करोगे, किसी के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनेगी। ये कैंची दी तरह चलती है, कटती चली जाती है। खुदा दा वास्ता सतरो यार, अपना भला चाहो। जब भी आप किसी को परेशान करते हैं, लिख लेना मेरी गल, कब्र याद आऊंगा मैं। जब किसी को परेशान करते हो कब्र में अपने लिए परेशानी भेजते हो, जब किसी को तकलीफ देते हो कब्र में अपने लिए तकलीफ भेजते हो, जब किसी की इज्जत उछालते हो रोज़े बैठकर अपनी इज्जत के साथ खेलते हो, जब तब्दीली लाते हो ना, जरा पसंदीदा मशवरा है, इससे बहुत बहुत आत रहना चाहिए। आपने फरमाया कि ये बदतरीन अमल है, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खास तौर पे ये बिखेरने वाला जो काम है ना, लोगों को एक दूसरे से दूर करने का, खुद दीन का काम लेके नाम लेके किया जाए या कोई दूरियां पैदा की जाए, नफरतों को फरोग दिया जाए। आपने फरमाया ये बदतरीन है, और इसी वक्त आपने फरमाया कि मियां बीवी के दरमियान जो खलीज पैदा करता है ना, इन दोनों को आपस में दूर करने के लिए कुछ जुमले कह देता है, कुछ ने कह दिया, कुछ कह दिया। अब भाई ये दूरियों पैदा करने वालों में अल्लाह करीम के नजदीक बदतरीन वो बनता है। अल्लाह रहम करे, हम अगर अपने दीन की तालीबात को समझ ले, इस पर चल पड़े तो बल्ले ही बल्ले है। अगर अपने दीन को समझ के सामने रखे, उन पे चले, तो आप अलैहिस्सलाम ने तो सास ससुर, सास ससुर का ही नहीं, आपने फरमाया सास तुम्हारी दूसरी मां है, ससुर तुम्हारा दूसरा बाप है। और आप अलैहिस्सलाम ने जब आपके दरबार में आपने एक बेटी मिली, दो मिली, तीसरी मिली, एक आपने बाद तीन मिली, तीनों की अच्छी तरबियत की, रुखसत कर दिया जन्नती, आप हमारे जन्नत के बाद क्या अर्ज की, किसी ने अगर दो मिली फिर आपने फरमा के दो की चीज की तरह से की तरबियत, फिर भी जन्नती है। अगर अर्ज की एक को मिली, आपने फरमा के उसकी भी अगर ठीक तरबियत की, उसे अच्छी तरह से रुखसत किया तो जन्नती, ठीक तरबियत। सुभान अल्लाह, वो मां समझ के जाए, बाप समझ के जाए। असी बच्चे होंगे सर ना, तो चुकते सर ना डोलिया, उस बाप प्यो धीए डोली जा रही है, जनाजा उठना चाहिए। तरबियत, माँ बाप की तरबियत नहीं कर पा रहे, औलाद की तरबियत हासिल नहीं कर पा रहे। मेरी यही टुटे फुटे अल्फाज होते ने, पर पुत्रा है मरनी, इस टांके लादा जिधर खुआरी हो रही है, सब कुछ बह जा रहा है। मुसलमान तो मुसलमान होता है, मुसलमान का घराना बड़ा अरफा वाला होता है, मुसलमान का करदार बहुत अच्छा होता होता है। वो बाप का हो, भाई का हो, बेटी का हो, पुप्पी का हो, खाला का हो, भतीजी का हो, भतीजे का हो, कोई भी हो, वो तो इसे ऐसे समझता है। अपने आका अलैहिस्सलाम की तालीमात का उसको सामने रख के वो तो कहता है ये जो रिश्ता है ना दूर पार दा सही, पर मैं बाजारों गड्डी तो ला सकता, आज किनू मारे ढेर चढ़िया किनू तो खरीद सकता, ये रिश्ता नहीं खरीद सकता। जिनको हम परख से उड़ाते फिरते हैं, जिनकी हुरमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। मैं बात कर रहा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि जब तीन बार फरमाया तो आपने पड़ोसी का जो पड़ोसी से जो तंग जो पड़ोसी को तंग करे वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। आज हमारी कैफियत क्या है, हम
किस चीज के साथ हालात पे जा रहे हैं जिनकी वजह से हम मुश्किलात का शिकार हैं। जब अल्लाह करीम कुरान करीम की आयत उतरी आयत मुबारक उतरी ना कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है तो जो एहसान करते हैं। अब साहबा कर रहा हूं हर बात सीखते थे उन्होंने समझ आ गई एहसान करना है हर एक काम आना है। किसी ने गलती की माफ कर दिया एहसान किया, किसी को पानी उठा के पिला दिया एहसान किया, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा एहसान किया। लेकिन उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा बाप और माँ पे कुर्बान करम फरमाइए एहसान फरमाइए। अल्लाह के नजदीक अल्लाह ये किस किस को पसंद फरमाएगा? अल्लाह के नजदीक कौन एहसान करने वाला लिखा जाएगा कि ये वाकई एहसान करने वाला है? आपने सलाम जिसका पड़ोसी ये कहे ना कि ये जो मेरा पड़ोस में रहता है ना बड़ा अच्छा है, ये हर लोगों के साथ एहसान करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अजीजों दोस्तों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमारा दीन हमें निखारता है, हमारा दीन हमें, मैंने हदीस हदीस मुबारक आपके आगे रखी कि आपने इसकी ममानियत फरमाई कि जब मैं इस हाल को पे चला जाऊं ना तो उधर ना लौट जाना जिस हाल में थे। आपने हमें कदर सिखाई है। रसूल मुसलमान तो मुसलमान है ना, आप अलैहिस्सलाम उन्होंने का फरोज है। सामने से एक जनाजा गुजर रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। असाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाईन वो जानते थे कि आपको खबर है लेकिन आपके जरिए से तुम्हारी तरबियत होनी है ना। उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसके लिए खड़े हो गए, ये तो बड़ा बदतीनत यहूदी है, इसने तो ये किया। आवेमा मुझे इससे गर्ज नहीं कि ये क्या करता रहा, मुझे ये पता है कि ये एक इंसान की मैयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाजार से तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में खच्चर है उसके इधर से मुंह पे इस जगह से ऐसी लाठी लगी है कि इधर से खून निकल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गधे के नजदीक खड़े हो जाते हैं। आपने तरबियत फरमाई है, हमने तरबियत ली नहीं है। आप रोशनी देते हैं, हम अंधेरों में गर्क हैं। आपके दरबार पास से एक एक चीज की हमारे लिए रहनुमाई होती है, आप खड़े हो गए। अब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बेजुबान के ऊपर, इस अल्लाह की मखलूक के ऊपर, इस जानवर के ऊपर जिसने इस बेदर्दी के साथ इसके मुंह पे ये मारी है, असी तो लोगों की शक्ल हम तो खाली जुबान के बाहर मतलब हाथ नहीं चलाते बल्कि जुबान के भी वो कारोबार चलाते हैं कि जो जिसका जख्म कभी भरता ही नहीं है। थप्पड़ से मारिया दर्द चला जाता है लेकिन ये जिसकी आपने फरमाया ना तरबियत करो, इसकी हिफाजत करो, इसका तो लगा हुआ बंदे का दिल को तोड़ता है, दुखी कर देता है। हमारा दीन बड़ा अरफा वाला दीन है, खूबसूरत दीन, तरीन दीन। आपने फरमाया कि इसके साथ ये करने वाला कभी अपने रब की रजा को हासिल कर सकता है? दूसरे मुकाम पर आपने फरमाया कि जन्नत की हवा को पा सकता है? यार अगर हम अपने दीन को समझें तो हम तो हमारा दीन ही कहता है ना। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक औरत सिर्फ बड़ी गुनाहगार औरत सिर्फ इस वजह से जन्नत में जाएगी कि एक प्यासे कुत्ते को उसने पानी पिलाया होगा। यह आपका फरमान मुबारक है। आप फरमाते हैं वो औरत बड़ी गुनाहगार होगी लेकिन एक दिन एक प्यासे कुत्ते को उसने पानी पिलाया होगा, उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से मेरा रब उसे जन्नत में दाखिल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि एक औरत सिर्फ इसलिए दोजख में जाएगी कि उसने एक बिल्ली को पकड़ के मार मार के उसकी जान ले ली, इसलिए दोजख में जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोने का फरोज है, मताफ शरीफ है, बराबर है। आप साहबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाईन को फरमाया ये जो सामने है ना बैतुल्ला शरीफ, ये बड़ी हुरमत वाला है, बड़ी अजमत वाला है। इसके गिर तुम तवाफ करते हो साथ तो नफर पड़ते हो तो तुम्हारे गुनाह झड़ जाते हैं। ये जो इससे पत्थर है जो अस्वद लगा हुआ है
इसे चूमते हो तुम्हारे गुनाह झड़ते हैं, ये तुम्हारी गवाही देगा। ये जिस घर के गिर्द फिरते हो ये तुम्हारा उस दिन ये भी गवाह बनेगा। आपने अपने अंदाजे मुबारक के साथ बैतुल्ला शरीफ की वो अजमतें बयान फरमाई कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हमारी निगाहें जम गई, हमारे दिलों में जो पहले ही बड़ी अकीदत थी, बड़ी इज्जत थी अल्लाह के घर के साथ, वो लाखों अरबों गुना ज्यादा बढ़ गया। आप फरमाते हैं फिर आपने अपना खिताब मुबारक खत्म फरमाया, फिर आपने बैतुल्ला शरीफ को मुखातब फरमाया, तेरी इज्जत मैंने इन्हें सिखा दी, तेरी हुरमत का मैंने इन्हें बता दिया कि तेरी कितनी शान है कि तू अल्लाह का घर है। लेकिन अब तू सुन, ये जो मेरे गुलाम है ना, या जो मुसलमान होगा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब के नजदीक एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान की हुरमत, एक मुसलमान का, एक जो मुसलमान है मजमूई तौर पे उसको अगर एक तरफ रखा जाए, मुसलमान को, उसकी इज्जत को, उसकी हुरमत को, उसके तमाम अच्छे मामलात को, इंसान अल्लाह के आप अलैहि सलाम ने फरमाया बैतुल्ला शरीफ को कि मेरे रब के नजदीक ये जो इंसान है ना, इसके का खून, इसकी इज्जत, इसकी हुरमत तुझसे बढ़कर है। आप अलैहि सलाम ने बैतुल्ला शरीफ को मुखातब फरमा के फरमाया हम बैतुल्ला शरीफ जाते हैं, लिपटते हैं, आउजारी करते हैं, करनी भी चाहिए, उसकी हिम्मत हुरमत है, उसके गिर चक्कर लगाते हैं, उधर ही मत क्या कोनिया मार दे मुसलमान की, बाहर निकलते हुए बताव पे मैंने खुद देखा गाली देते हैं मुसलमान को, होटल में जाते हैं दिकम बिल में चाबी लेने से पहले हर एक की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करे कि मैं कोई वक्त आए कि मैं बैतुल्ला शरीफ जा पहुंचू, उसकी जियारत करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोने का फरोज है, आपने फरमाया था सहाबा किराम को कि तुम इस चीज को पसंद करोगे कि अपने दिन का आगाज बैतुल्ला शरीफ के दरवाजे को देख के करो, हर दिन आगाज इस तरह हो कि सामने पहले सबसे बैतुल्ला शरीफ का दरवाजा सामने हो, दिल मोहब्बत और इत्राम से भरा हुआ हो, उसे देखो, फिर दिन सारे दिन का काम शुरू करो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा बाप और मां पे कुर्बान, को हमें से कौन है जो ये नहीं चाहेगा। आपने फरमाया कि सुबह जब निकलने लगो ना काम से तो अपने बाप के चेहरे को देखा करो, बड़ी मोहब्बत से देखा करो, बड़े प्यार से देखा करो, बाप को प्यार से देखा करो। एक जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश होती है ना, उम्रे दी भी होती है और होनी चाहिए, और दुआ भी करो अल्लाह ताला जल्द और रास्ते खोल दे, इसको आप बुलाते जल्द और रास्ते खोल दे जी, इससे डर जल्द और रास्ते खोल डाले, और फिर हम काफले के काफले मदीना पाक में हाजिर हो, हर एक की ख्वाहिश होती है और होनी चाहिए भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि माँ बाप कुछ बंदा जब मोहब्बत से देखता है ना, प्यार से मोहब्बत से, ये वही माँ बाप है जिनके आगे उफ करने की भी इजाजत नहीं है। हमारा दीन तरबियत करता है, हमारा दीन खूबसूरत तरीन माहौल बनाता है, हमारा दीन घर को जन्नत, हो जन्नत तो मिलेगी ना, घर को जन्नत बना डालता है। लेकिन हम दीन को समझे ना, आज करना से तो बड़ा मुकाबला है और होना भी चाहिए, यकीनी तौर पे होना चाहिए, लेकिन उस हज का पता नहीं कि जाके जो मैंने काफियात बयान की वो शानों वाला, किसी की भी कोई भी इबादत कबूल होगी तो उसके कर्म से होगी, वो पीर साहब की हो या मरीज साहब की हो, मौलवी साहब की हो या मुक्तदी साहब की हो, कबूल करने वाला वो है। चुपके मुंह है तुम्हारे मेरे हुजूर लिहाड़ा लिया है किसी की जरूरत क्या कर नहीं थी, मैं कितनी सी अल्लाह ताला करम फरमाए, लेकिन मैं जिस इबादत की बात कर रहा हूं, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मोहब्बत से माँ बाप को देखा ना, अल्लाह ताला उसे हज मकबूल और हज उमरे और उमरा मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हमारे दिल में ये बातें होनी चाहिए, अर्ज की वो लाभ लेके एक ही घर में रहते हो,
दिन में दूसरी बार सामना हो जाए, आवे बात दो अर्ज की तीसरी चौथी पांचवी आवे हमारे, तू मेरे रब के खजानों से मालिक वाकिफ नहीं है, तो दिन में 100 बार माँ बाप को मोहब्बत से देखेगा, अल्लाह ताला तुझसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जो बात कर रहा था कि आप अलैहिस्सलाम ने पसंद करोगे कि दिन का आवाज बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा देख के करो, अर्ज की कौन है जो ना करेगा, आका करम फरमाइए कैसे, आपने बाप का चेहरा देखा करो, अर्ज की बाप मर गया दुनिया में नहीं है, फिर आपने फरमाया उसकी कब्र जाके देखो, तुम्हारे लिए ऐसे ही है जैसे बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा देख रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज साथियों, मेरे बच्चों और बच्चियों, मैं पैगाम ये देना चाहता हूं कि पैगाम ये देना चाहता हूं कि किबला साहब तशरीफ ले आए, अब ऐसा सब सब खिताब होगा, मेरी टूटी फुटिया गल्लां ना टोटके ने बात समझ में आने की है, अगर आप इनको अपनाएंगे ना सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लेना तो इत्मीनान नहीं मिल सकता, लेकिन दीन को अंदर बैठा लेंगे ना बसा लेंगे आपको इत्मीनान मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपसे रब राजी होगा। खानकाई निजाम का यही पैगाम था, यही है और यही रहेगा। अब आप सब हमारा गोश हो जाए, किबला साहब किसी भी आज बिजू करके निकल आए पहले दिया इन चीजों को, क्योंकि मैंने जो रिसर्च है ना मेरी, और मैंने ये 67-68 साल हो गया, ये सारा वक्त दीन सीखने को, दीन समझने को और दुनिया के मामलात देखने में गुजारे हैं। अल्लाह के फजल, किबला एक मिनट लगेगा, तशरीफ ले आ रहे हैं, एक मिनट ठहर जाओ, पिछले आगे नजर नहीं आता, इस हिस्से तशरीफ रखो दे। मैंने जो देखा कि हर बंदा दौड़ एक ही है कि मुझे एक मरबा है ना जमीन दी, दो मरबे हो जाए तो शायद मैं पुरसकून हो जाऊंगा। मिनिस्टर साहब को देखा कि एक छोटी मिनिस्ट्री है, बड़ी मिनिस्ट्री मिल जाए तो शायद सुकून मिल जाएगा, जब कोई बड़ी मिनिस्ट्री मिल जाए तो कहता प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो शायद सुकून मिल जाएगा। कारखाने वाले को देखा शायद दो कारखाने हो गए ना तो शायद मैं मुतमइन हो जाऊंगा। मैंने अपना जाती जो मुशाहिदा है, मैंने एक से दो पे जाने, एक में शायद थोड़ा बहुत उसके पास था, दो हो गए ना तो रात उसकी नींद नहीं आंधी के तरह किस तरह हो गए, एक होता मिल गया ना आया डीएसपी दुआ करो किसी तरह कोई किसी की को फोन करो फलां दे शायद बन जाओ, और डीएसपी होते हैं शायद किधर थोड़ा जा उसके भाग मिलता हो, शुक्र एसपी बन के ओ और ज्यादा कि ए हो एसपी तो आगे डीआईजी के बन जाएगा। दुनिया नाम इसका है कि जब किसी को घेरती है ना तो फिर भुखा बहोर कर दी है, भुख बतांदी है, भुख मिटन नहीं देती, वो ओदा हो कागजों की सूरत में हो, जमीन की सूरत में हो, इख्तदार की सूरत में हो। मैंने कहा मेरे जाती मुशाहदात है, जो मुझे जानते हैं उन्हें खूब इल्म है कि मैं एक ऐसी खानकाह का खादिम हूं, नौकरी ऐसी जगह की कर रहा हूं कि जिधर बड़े बड़े चढ़िया लेते, बड़े बड़े छेड़ते, बड़ी बड़ी सारी दुनिया से लोग आते हैं, मैं सबको रीड कर रहा हूं, मैं अपने रब के इस फरमान को खूब समझा हूं कि फिक्र कर तफक्कर किया करो, सोचा करो, परखा करो, देखा करो, इस सारी सोच में जिसमें जो मेरी रिसर्च है कि बंदा हर एक चक्कर इसमें है कि मुझे सुकून मिल जाए, मुझे इत्मीनान मिल जाए। तेरी प्यारी बेटी आई है खुशामदीद, सारी मेरी बेटियां, लेकिन ये मेरी मेरे नूरे नजर मेरे लख्त जिगर की अहलिया है, ये उनका साथ देती है दीन के कामों में, इनके लिए भी दुआ किया करेंगे, ये उनका इनका इसी तरह से साथ दें
इसलिए भी रात को 7-8 सफर घंटे सफर करके फिर 7-8 घंटे, क्योंकि अभी किबला साहब को एक इस्लामाबाद में भी रात को एक प्रोग्राम में बयान करना है। मसरूफियत है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सोहनी मसरूफियत है, नौकरी है और अल्लाह के फजल से बड़ी सोहनी नौकरी है, काम है अल्लाह के फजल से, और क्या कमाल का काम है, उसने सब कुछ सामने करके रखा है। जब ये रिसर्च, ये फिकर, ये तफक्कर हुआ ना, तो देखा कि सारे नजदे तो एको काम के पीछे, किसी तरह सुकून मिल जाए। मैं कहा कि मैं रज गया, मैं सारे के भुखा देखा, दुनिया के पीछे नजदा जितना बड़ा हो गया ना, जितनी बड़ी कुर्सी मुलगी बल गई उतनी भुख बात बात। और कल भी अगली दफा भी वोट मैं नहीं दे, मैं वजीर आजम जा की करता रहा, भुख हिर हिर हवस, दुनिया कारखाने के बाद औदे हर चीज पुक 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 और पुक, बेचैनी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन, ये है दुनिया। अल्लाह हो 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 अल्लाह आमीन। और मेरी जो रिसर्च है ना वो बताती है कि अगर कहना रचना चाहते हो ना कि मैं रजी गया, और किसी चीज की तरफ तमन्ना नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तबाह का रास्ता है, जिसमें अल्लाह राजी हो जाता है और अल्लाह बंदे को रजा देता है। अल्लाह ताला तुझे और मुझे सही मानों में सूझ बूझ अता फरमाए। नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, जनाब किबला साहब, अस्सलातु वस्सलातु वस्सलातु वस्सलातु।